हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लास। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे होल नंबर्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 297 मल्टीप्लाई 70 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 297 मल्टीप्लाई 70 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इस केस में 297 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 297। जो चीज कॉमन लेते हैं उसी का हम डिवाइड करते हैं, 297 से 297 कैंसिल, अंदर के बचेगा 70 प्लस 297 से 297 का जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। कॉमन लेने का हमने तरीका बताया था, किसी को प्रॉब्लम आए तो उसी से ही हम डिवाइड कर देते जो कॉमन लेते। अब देखिए आप आगे 297 17 प्लस 3 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20। आप ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, 297 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारे पास, देखिए जीरो लगा देंगे पहले लास्ट में, जीरो तो आएगी हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 1 3 9 2 18 प्लस 1 19 1 3 2 2 4 5, तो रिजल्ट आएगा 5940 आंसर। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी यूज करके जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है उनको हम इजी कर सकते हैं। अगर देखो आप डायरेक्ट पहले 17 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए हमने इसमें प्रॉपर्टीज यूज की हमने, ठीक है, तो कितना शॉर्ट हो गया। अब ऐसे ही फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, सुटेबल प्रॉपर्टी यूज कर फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट 738 मल्टीप्लाई 103। अब देखिए ये 103 जीरो के नियर अबाउट है, 103, तो हम इसको ब्रेक करके राइट कर सकते हैं, 738 मल्टीप्लाई 103 को हम 100 प्लस 3 राइट कर सकते हैं, 100 प्लस 3। अब देखिए ये हमारे पास 100 प्लस 3 राइट करके कौन सी वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रेक करके लिख सकते हैं हमेशा। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर दो, अब जीरो से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, 738 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 738 और उतने ही जीरो आप लगा देंगे, 2 जीरो, ऐसे ही 738 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का साइन, कहने का मतलब ब्रैकेट ओपन करना है हमें, 738 100 से मल्टीप्लाई, 738 3 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे 8 3 24, 2 3 3 9 प्लस 2 11, 1 7 3 21 प्लस 1 20। अब 73800 में 2214 प्लस करके लिखेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 73800 4122 प्लस करके 4 1 10 6 7, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 76014 आंसर। ठीक है, तो सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करके या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करके। सेकंड 854 मल्टीप्लाई 100, जैसे हमने फर्स्ट किया ऐसे सेकंड करना है, 100 टू 100 के नियर अबाउट है, 100 प्लस 2 राइट कर सकते हैं हम, 854 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, अब ब्रैकेट ओपन करना है, 854 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85400 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 5 2 10 0 1 3 8 2 16 प्लस 1 7, अब यहाँ प्लस कर लेंगे इसको, 85400 में क्या प्लस करना है, 807 प्लस करके 807 प्लस 4 11, 1 3 5 प्लस 1 6 7 8,
क्या आएगा हमारे पास 87108 आंसर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स विथ डिजिट, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर विथ डिजिट। एडिशन की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन की डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन की डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद डिवीजन, डिवीजन के साथ प्रॉपर्टी। नंबर वन प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं? डिवीजन का क्या करेंगे? दो होल नंबर होंगे, अगर उनका डिवाइड करने पर रिजल्ट होल नंबर है तो वो क्लोजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं, टू होल नंबर ए, ए का डिवाइड बी के साथ किया तो रिजल्ट हमारे पास होल नंबर आना चाहिए, तो वो क्लोजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको चेक करते हैं एक एग्जांपल्स, ए में फॉर एग्जांपल हम एक होल नंबर ले लेते हैं वन, बी में हम एग्जांपल कोई दूसरा होल नंबर ले लेते हैं टू। अब ए डिवाइड बी करते हैं, ए डिवाइड बी, इट मीन्स वन में डिवाइड किया टू का, तो रिजल्ट तो हमारे पास वन अपॉन टू आए, विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर, वन अपॉन टू होल नंबर थोड़ी हमारे पास, तो डिवाइड किया हमने तो विच इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। हम क्या राइट करेंगे? सो इट इज नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन, एक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी डिवीजन के साथ। सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास? इसमें भी टू होल नंबर्स कहते हैं, एट डिवाइडेड है, या फिर अगर इंटरचेंज करें b को a से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट सेम होगा? क्या नहीं होगा कभी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टू होल नंबर लेते हैं हम, a में वही वन और b में हम ले लेते हैं टू, तो चेक करते हैं a डिवाइड b और b डिवाइड a को चेक करते हैं, b डिवाइड वन डिवाइड टू, टू डिवाइड वन, वन में टू का वन अपॉन थ्री, टू अपॉन वन इज टू अपॉन वन, तो क्या इक्वल है? क्या नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट ए कम, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होगी डिवीजन की, क्लोजर भी नहीं थी और ना कम्यूटेटिव। अब थर्ड, एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में हम थ्री नंबर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं? थ्री नंबर्स, थ्री होल नंबर्स, थ्री होल नंबर्स हमारे पास ए बी सी, फिर ग्रुपिंग करते हैं टू टू, हमने थ्री नंबर्स लिए ए बी एंड सी, फिर ग्रुपिंग करेंगे, ए डिवाइड बी किया फिर उसका डिवाइड सी के साथ, तो ये नॉट इक्वल आएगा, ए डिवाइड, अगर ग्रुपिंग चेंज की बी और सी को पहले किया तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास फॉलो नहीं करेगी डिवीजन के साथ, ना तो एसोसिएटिव। अब देखिए, ना तो क्लोजर होगा डिवीजन के साथ, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो। इसको आप किसी एग्जांपल के साथ चेक कर सकते हो, एलएचएस है, आरएचएस इक्वल नहीं आएगी, एबीसी में कोई तीन आप होल नंबर ले सकते हो, बाकी जैसे हमने चेक किए थे एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर सकते।